नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत में। राकेश, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनआरसी और सीएए को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए और कहा कि केंद्र सरकार की ये नीतियां, ये कानून देश को तोड़ने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। की ओर बढ़ने का पहला स्टेप है केंद्र सरकार का, और गृह मंत्री भी बोल चुके हैं और लगातार उनके नेताओं की ओर से बयान आ ही रहा है कि पूरे देश में हम एनआरसी लागू करने वाले हैं। कल ही एक पीआईबी की ओर से जो भारत सरकार का आधिकारिक उसकी एजेंसी है, उसकी ओर से कल ही कुछ सफाई देते हुए कुछ काल्पनिक सवालों का जवाब खुद ही उन्होंने अपने ट्वीट पर डाला है और कहा है कि कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं सच वह नहीं है, सच यह है जो हम बोल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसमें भी और उनकी सफाई अपनी जगह, लेकिन साफ साफ उन्होंने जो कुछ भी ट्वीट किया है उसमें एनआरसी लागू होने ही वाला है इस बात को स्वीकार किया है, और एनआरसी लागू होने वाला है उसको स्वीकार भी किया है। नागरिकता संशोधन कानून पर कुछ सफाई देते हुए तो अब कहीं से यह कहना कि सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून का मामला है, यह नहीं है, उसी की एक कड़ी है और आगे आने वाले दिनों में इसको भी फेस करने के लिए देश को तैयार रहना पड़ेगा। और इसमें मात्र दिखावे का आंदोलन नहीं है कि कहीं कोई डिसीजन हुआ और प्रतीकात्मक रूप से विरोध एक आध बार राजनीतिक दल का फर्ज समझकर विरोध किया गया और फिर बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं, क्योंकि भारत सरकार का निर्णय कोई तात्कालिक असर का निर्णय नहीं है, देश को तोड़ने वाला निर्णय है, संविधान को बर्बाद करने वाला निर्णय है। और इनका इनकी जो मंशा, इस मंशा में सफल हो गए तो हिंदुस्तान फिर हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा, पता नहीं कितने टुकड़ों में देश बट जाएगा। तो इस तरह का निर्णय है, इसलिए इस निर्णय के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ जहां आंदोलन हो रहा है देश भर में, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से जो लोग अधिकृत हैं बोलने के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के देश के, उनका बयान कल ही आया कि जो नागरिकता संशोधन कानून बना है वह पूरे तौर पे लागू भी होगा और इसके बाद एनआरसी भी हम पूरे देश में लागू करेंगे। कुछ लोग यह कहते हैं कि एनआरसी अलग है और नागरिकता संशोधन कानून अलग है, दोनों कहीं से अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट ना पाए।